नमस्कार बच्चा लोग वेल well, ये सेम जो क्वेश्चन है वर्बल में स्पेसिफिकली ये हर साल और पूरे साल सैकड़ों बच्चे मुझे बताते हैं और पूछते हैं कि सर मैं लास्ट के दो ऑप्शन में आकर अटक जाता हूँ तो देखो बेटा आई विल ट्राई टू आंसर इट टू द बेस्ट वे पॉसिबल इसका वीडियो में आंसर देना थोड़ा मुश्किल है तो मैं तुम्हें कुछ सिखाऊंगा ठीक है अब वो अप्लाई तुम कितने अच्छे से कर पाते हो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है बच्चे एज अ टीचर तुम लास्ट दो ऑप्शन में आके कन्फ्यूज हो रहे हो इससे मुझे कुछ नहीं पता चलता तुम्हारे बारे में दैट्स बिकॉज ये चीज़ हंड्रेड परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ होती है अगर ये इवन नाइनटी नाइन के साथ होती ना कि चलो कोई एक परसेंट जिनके साथ ऐसा नहीं होता है तो भी मैं कुछ तो बोलने की कोशिश करता बट ये हंड्रेड परसेंट ऑफ दी स्टूडेंट्स के साथ होती है उनके साथ भी होती है जिनका कॉम्प्रीहेंशन खराब होता है उनके साथ भी होती है जिनका कॉम्प्रिहेंशन इतना टॉप नॉच होता है कि वो बी स्कूल के प्रोफेसर्स के साथ जाके डिबेट कर लें और इसके पीछे का रीज़न अनफॉर्चुनेटली तुम पता भी नहीं लगा सकते वो कोई एक्सटर्नल बंदा ही पता लगा सकता है जैसे मेरे केस में अब तो अभी तो दिक्कत आ रही है मुझे भी ये करने में क्योंकि ऑनलाइन चल रहा है तो बच्चों को वन ऑन वन बुला लेता हूँ मैं कई बार और पैसेजेस डिस्कस करता हूँ तब देखने की कोशिश करता हूँ अदरवाइज पहले मैं बच्चों को अपने सामने बैठा के बोला करता था मेरे सामने पैसेजेस सॉल्व करो और मैं क्या ऑब्जर्व करता था कि वो लास्ट के जिन दो ऑप्शन में अटके हैं उनका जो सेकेंड ऑप्शन है एक तो मान लो करेक्ट आंसर अगर तुम्हारे टॉप टू ऑप्शन में करेक्ट आंसर ही नहीं है ऐसा भी होता है इन दैट केस तो फिर तो भैया बहुत बड़ी गड़बड़ है ठीक है बट लेट्स से लास्ट के दो ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर निकल रहा है अब जो सेकेंड ऑप्शन है यूज टू ऑब्जर्व क्या वो बेस्ट ऑप्शन है सेकेंड बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि बाकी के तीन ऑप्शन में हमेशा इनवेरियबली एक ऑप्शन तो ईजी टू एलिमिनेट होगा तो अब बेसिकली हम बात कर रहे हैं तीन ऑप्शन में से दो ऑप्शन में स्टक कर जाना जिसमें से एक हमारा आंसर है अगर मैं मैथमेटिक्स में जाऊं इसकी प्रोबेबिलिटी प्योरली बाय लक होने की 67 परसेंट है प्योरली बाय लक होने की यानी कि कोई आंख बंद करके भी बिना दिमाग लगाए भी ऐसा करेगा तो 67 परसेंट चांसेस में लास्ट के दो ऑप्शंस में जाके अटक जाएगा जिसमें से एक आंसर होगा ठीक है इसीलिए मैंने बोला कि सबके साथ होता है प्योरली बाय लक आंख बंद करके थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो सबके साथ होगा हंड्रेड केसेस में ठीक है तो मैं यही देखा करता था कि जो सेकेंड ऑप्शन है जिसमें वो कन्फ्यूज हो रहे हैं क्या वो ईजी टू एलिमिनेट है अगर वो ईजी टू एलिमिनेट है इसका मतलब है बच्चे का कॉम्प्रीहशन अगर है वो तुक्के से पहुंचा है हाँ तक क्योंकि ईजी टू एलिमिनेट ऑप्शन तो फटक करके हो जाना चाहिए था बाय चांस अगर वो दोनों ऑप्शन एकदम क्लोज हों सिर्फ और सिर्फ तब लास्ट के दो ऑप्शन में अटकने से ये पता चलता है कि तुम्हारा वर्बल अच्छा है बस तुम एक स्टेप दूर हो लेकिन एज ए सी एनालिस तुम खुद नहीं कर सकते ये सिर्फ और सिर्फ या तो कोई टीचर कर सकता है या तो कोई ऐसा स्टूडेंट कर सकता है जिसका खुद का वर्बल बहुत अच्छा हो तो अगर तुम किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जो वर्बल में कॉन्स्टेंटली 95, 96 परसेंटाइल के ऊपर लेकर के आ रहा हो तो तुम उसके साथ बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो वो तुम्हें बहुत कुछ सिखा देगा तुम्हारे बारे में बट अगर तुम नहीं जानते और ना ही तुम्हारे पास कोई ऐसा टीचर है जो तुम्हारे साथ बैठ के बोलता हो कि भैया सामने सॉल्व करके दिखाओ या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी हो तो क्या किया जाए तो कुछ नहीं किया जा सकता <laughs> लेकिन मैं ही नहीं कह रहा होप छोड़ दो नहीं, नहीं कुछ है जो किया जा सकता है एक मिनट के लिए नॉट एक मिनट के लिए एक हफ्ते के लिए आई विल से ये छोड़ दो कि तुम्हारा वर्बल अच्छा है और ये भी छोड़ दो कि तुम्हारा वर्बल बुरा है दोनों चीजें छोड़ दो न्यूट्रल स्टेट में आओ अगर तुम में से किसी ने कहा सर मैं न्यूट्रल स्टेट में कैसे आ सकता हूं तो मतलब तुम्हारा वर्बल खराब है बेटा दैट्स बिकॉज वर्बल का नाम वर्बल होता ही है वर्बल दुनिया है न्यूट्रल स्टेट की जिसने न्यूट्रल स्टेट में रहना अब तक नहीं सीखा है उसका वर्बल पक्का खराब है क्योंकि सारी प्रॉब्लम ही तब आती है जब आप न्यूट्रल से दाएं या बाएं हो जाते हो तभी आंसर्स गलत होने शुरू होते हैं ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूजन तभी होनी शुरू होती है तो इतने महीने की मेहनत आइडियली really आपको न्यूट्रल स्टेट में रहने के लिए ही सीखनी होती है अपार्ट फ्रॉम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन सॉल्विंग में तो पहले तो न्यूट्रल स्टेट में आ जाओ अगर नहीं आना सीखा तो सीखो ठीक है कि ना तो मेरा वर्बल अच्छा है ना मेरा वर्बल खराब है मैं न्यूट्रली रह के अब पूरा एनालिसिस करूँगा ये मान के कि मैं दोनों में से किसी भी साइड में बिलोंग कर सकता हूं फर्क नहीं पड़ता अब इसके बाद एक छोटा सा एनालिसिस करना है लेकिन वो हर एक क्वेश्चन में करना है मैं अब तुम्हें आरसी की थ्योरी के अंदर घुस रहा हूं ठीक है आरसी की थ्योरी पढ़ा रहा हूं जब भी तुम्हारा क्वेश्चन गलत होता है आर में तो एक एरर नहीं होता चार एरर होते ठीक है वो चार एरर क्या है एरर नंबर वन से मेरे पास ए बी सी डी चार ऑप्शन हैं एंड ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर है और तुमने मार्क कर दिया ए ठीक है ये तुम्हारी गलती हो गई एरर नंबर वन ऑप्शन नंबर ए को रिजेक्ट करने का एलिमिनेट करने का एक रीजन था तुम ढूंढ नहीं पाए वो एरर नंबर टू ऑप्शन नंबर ए को डिफेंड किया ही नहीं जा सकता क्योंकि वो तो गलत है तुमने उसे डिफेंड करने के लिए कोई एक फेक आर्ग्यूमेंट या लॉजिक क्रिएट कर लिया दिस इज एरर नंबर टू एरर नंबर थ्री ऑप्शन नंबर सी जो कि करेक्ट आंसर है उसे डिफेंड करने का एक आर्ग्यूमेंट था जो तुम ढूंढ नहीं पाए एन एरर नंबर फोर ऑप्शन नंबर सी को एलिमिनेट किया ही नहीं जा सकता कैट के क्वेश्चन में कोई वेगनेस नहीं मिलेगी तुम्हें कभी भी तो सी को एलिमिनेट करने का कोई तरीका नहीं है वो आंसर है तुमने उससे एलिमिनेट करने का कोई फेक आर्ग्यूमेंट ढूंढ डाला कोई फेक लॉजिक बना डाला ये चार गलतियाँ हुई हैं मेजोरिटी बच्चे सिर्फ एक गलती पर फोकस करते हैं वो बस ये देखते हैं कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर क्यों है ये एक्सप्लेनेशन देखे और आगे बढ़ गए बाकी तीन एरर्स का कौन ध्यान करेगा वो रिपीट होते रहेंगे और जब तक वो रिपीट होते रहेंगे तब तक तुम्हारी एक्यूरेसी ऊपर नहीं आएगी ठीक है वास्ट मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के केस में इन तीन में से दो चीजें तो एग्जिस्ट भी नहीं करती क्या मैंने क्या बोला ऑप्शन नंबर सी को एलिमिनेट करने का कोई रीजन बन ही नहीं सकता तुमने एक फेक रीजन बना दिया बहुत से बच्चे होते हैं जो ऐसा फेक रीजन बनाते ही नहीं वो सीधा इग्नोर कर देते हैं लास्ट में आके अटके होंगे मे बी ए और सी के बीच में कंफ्यूजन होगा सी को एलिमिनेट करने के लिए दिमाग लगाया ही नहीं जस्ट ए को सेलेक्ट करके आगे बढ़ गए क्यों भैया सी ने क्या पाप किया सी को क्यों नहीं सिलेक्ट किया तुमने गट फीलिंग थी सर अंदर की अंतरात्मा ने आवाज दी मेरी दिव्य दृष्टि के ए चूज कर लो ये तुम्हारी इंटरनल बायसनेस है इसीलिए मैंने कहा वर्बल की दुनिया में न्यूट्रल होना ही सब कुछ है क्योंकि तुम न्यूट्रल होना नहीं सीख पाए तुम्हारी इंटरनल बायस तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज बनकर आई और उसने तुम्हें बोला ए बेटर लग रहा है ए चूज कर लो इसे वर्बल नहीं कहते इसे गैम्बलिंग कहते हैं तुम गैम्बल कर रहे हो इन विच केस एक पूरा का पूरा स्टेप भी तुमने एलिमिनेट कर दिया वो नंबर सी तुम। को रीजन ढूंढने की कोशिश नहीं की और तब तुम ए को एलिमिनेट करने की कोशिश करते जो भी तुमने नहीं की होगी क्योंकि तुम्हारी इंटरनल बायसनेस बाहर आ गई और तब तुम ए को एलिमिनेट करने के लिए जब दो मिनट दिमाग लगाते तो क्या पता तुम्हें रीजन मिल जाता चार एरर हुए इन चारों एरर्स को जो एनालाइज नहीं करेगा जो एड्रेस नहीं करेगा उसकी एक्यूरेसी तुम चाहे एक हज़ार क्वेश्चन सॉल्व कर लो नहीं इम्प्रूव होगी मैंने बच्चों को वर्बल में तीन तीन चार चार बुक्स खत्म करते हुए देखा है और उनकी एक्यूरेसी फोर्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट से शुरू होकर वहीं के वहीं वही ख़त्म हो गई एट द सेम टाइम मेरे ऐसे स्टूडेंट्स भी रहे हैं जिन्होंने पूरे साल में मिला के पचास या साठ आरसी पैसेजेस सॉल्व किए मैं खुद उनमें से एक था मैंने पूरे साल में सौ से कम आरसी पैसेजेस सॉल्व किए थे अपने टाइम पे और उनकी एक्यूरेसी फिफ्टी परसेंट से बढ़ के नाइन्टी पहुँच गई मेरी अपने टाइम पे क्लोज टू हंड्रेड परसेंट पहुँच गई थी आज अब क्योंकि प्रैक्टिस थोड़ी कम करता हूं तो कम होकर अराउंड नाइन्टी के ऊपर आ गई है उस टाइम पे मैं ऑलमोस्ट हंड्रेड एक्यूरेसी के साथ पैसेजेस सॉल्व करता था शायद पूरे साल में कभी कोई एक आधी क्वेश्चन गलत हुआ था मेरा सिर्फ और मैंने सौ से कम पैसेजेस सॉल्व किए थे मैंने अरुण शर्मा भी पूरी खत्म नहीं की थी क्यों क्योंकि हर क्वेश्चन पे हर मिस्टेक पे मैंने ये चारों चीजों एनालाइज़ किया था और वो बच्चे भी करते हैं तो कुछ कुछ बच्चे होते हैं मेरे जो जिनको मैं सारे बच्चों को कहता हूँ कि तुम आर सी सॉल्व करो दस मिनट में बारह मिनट में उसका एनालिसिस आधे घंटे चलना चाहिए और उसके एनालिसिस में क्या क्या आएगा वन सेकेंड मार्स की थ्योरी में और घुस रहा हूँ उसके एनालिसिस में आएगा तुम पूरा आर सी दोबारा पढ़ोगे ये देखने के लिए कि तुम्हारी कॉम्प्रिहशन तो इंप्रूव नहीं हुई अगर इम्प्रूव हुई है यानी पहली बार में कॉम्प्रिहशन वीक थी तुम्हें पता नहीं चला ऐसे ही तो पता चलेगा फिर धीरे धीरे रीड करते करते पता चलना शुरू हो जाएगा तुम्हें भैया और कॉम्प्रहेंशन वीक चल रही है मेरी इसे वापस से पढ़ने की जरूरत है या इसे स्किप कर दो ठीक है उसके बाद हर क्वेश्चन पे ये चार वाला एनालिसिस होना है मैं तो इवन जो करेक्ट आंसर हुआ करते थे उनके ऊपर भी किया करता था ये क्रॉस वेरीफाई करने के लिए कि तुक्के में तो करेक्ट नहीं हो गया क्या पता हो गया हो तो मैं वापस से चेक किया करता था कि सारे ऑप्शन को एलिमिनेट करने का सही रैशनल मिला था या नहीं करेक्ट ऑप्शन को जस्टिफाई करने का सही रैशनल मिला था या नहीं ये चार चीजें एनालाइज तुम्हें करनी है हर ऑप्शन के लिए करनी है एक गांठ मार लो कि आरसी के क्वेश्चन में तुम हमेशा तीन ऑप्शन को एलिमिनेट और एक ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे अगर तुम्हारे पास कोई एक भी ऑप्शन को एलिमिनेट करने का रीजन नहीं है स्किप कर दो क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना है पनिश करो खुद को कि मैं टाइम लगाऊंगा और मैं स्किप करूंगा ठीक है या अगर तुम्हारे पास चौथे बचे हुए ऑप्शन को तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए चौथे बचे हुए ऑप्शन को डिफेंड करने का रीजन नहीं मिल रहा तुम्हें स्किप कर दो उसे वन सेकेंड तुम्हें लगेगा सर तीन ऑप्शन एलिमिनेट तो हो गए मार्क कर देता हूँ आंसर एग्जाम में क्या करना है वो बात की बात है प्रैक्टिस के टाइम पे पनिश योर तभी तुम्हारा माइंड खुद को पुश करेगा और ये कहेगा कि यार इतने मिनट के बाद सिर्फ और सिर्फ एक रैशनल नहीं मिला तो ये बंदे ने क्वेश्चन स्किप करा दिया माइंड को एक सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है इस चीज का कि रिजल्ट आया ठीक <laughs> है तुम वो सेटिस्फेक्शन मत दो उसको वो अपने आप तब तक काम करेगा जब तक उसे रीज़न नहीं मिलता ये हैबिट अपने आप डेवलप होगी तुमने जहाँ जल्दी गिव अप करके आंसर मार्क करने की आदत डाली माइंड विल बी लाइक क्या ज़रूरत है कौन इतना दिमाग कौन इतनी मेहनत करेगा नहीं मिलेगा रैशनल नहीं मिलेगा रीज़न एलिमिनेट करने का सेलेक्ट करने का आंसर तो तब भी मार्क कर ही लेगा ये आदमी क्या फ़र्क पड़ता है मत मार्क करो आंसर स्किप करो फिर देखो शुरुआत में दस दस मिनट लगेंगे तुम्हें रीज़न ढूंढने में रैशनल्स ढूंढने में डिसिप्लिन मेंटेन करने में बाद में एक एक मिनट होएगा एक एक मिनट में और ये पूरी चीज़ एक महीने के अंदर डेवलप की जा सकती है एक महीने के अंदर मैंने बच्चों को 50 परसेंट एक्यूरेसी से 95 परसेंट तक जाते हुए देखा 98 परसेंट तक जाते हुए देखा जो बेस्ट एकदम उसको एक ही था देखो 90 परसेंट तक जाते हुए तो मैंने कईयों को देखा है विद इन वन मंथ कईयों को देखा है 50 परसेंट से 90 परसेंट फिफ्टी से 95 97 नाइन्टी सेवन अप टू नाइन्टी एट कोई इक्का दुक्का बच्चे रहे हैं जो गए हैं लेकिन वहाँ तक भी गए हैं विद इन वन मंथ एक महीना बचा है तुम कर सकते हो बिल्कुल कर सकते हो एंटायरली डिपेंड्स ऑन कि तुम्हारे अंदर मेंटल डिसिप्लिन कितना है तुम कितना डीपली जा कर के ये एनालिसिस करने में इंटरेस्टेड हो या तुम कितनी जल्दी गिव अप कर देते हो तुम्हारी कॉल है ठीक है पूरी यासी की थोड़ी खत्म हो गई इतना ही होता है यही कराता हूँ पूरे साल में बच्चों को क्लास में बस इसी की प्रैक्टिस करा रहा होता हूँ ठीक है ध्यान रखो अच्छे से मेहनत करो कोई भी डाउट कोई भी दिक्कत अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड आए तो टेलीग्राम ग्रुप चल रहा है उस पर आ जाओ मुझसे बात कर लेना अच्छे से पढ़ाई करो वो मैटर करता है डू वेल हैप्पी प्रिपरेशन बिना चिंता के अच्छा होएगा। चिंता मत करो ठीक है